हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक चेसर है जो कि यहाँ पे 6 LED पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके हम कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे कनेक्शन होते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास ऑन ऑफ स्पीड, यहाँ पर लॉक और यहाँ पे ये RF दे रखे हैं। इसको हम देखेंगे किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ इसके कनेक्शन हैं, पीछे साइड से मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हम इसको मेन AC देंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा है कॉमन 1 2 3 4 5 6, यानी जो भी हमारी ये यहाँ पर देख सकते हैं झालरें हमारी लगी हुई हैं, ये सारी झालरें हमारी लगी हुई हैं। इनमें से एक वायर हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन सब में से एक वायर हमने ले लेना है सबका, उसको आपस में जोड़ के हमने यहाँ पे कॉमन पे कनेक्शन देना है इसके। और बाकी दो दो तीन तीन जो भी आपका बन रहा है, एक पे आप 10, 8, 10, 15 जो भी है कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद 2, 4, 5, 10 जितने भी जुड़ रहे हैं, हर एक को 5 को एक साथ जोड़ करके उसकी दूसरी पॉइंट इनमें जोड़ देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इसको कनेक्शन करना है। यानी अगर मैं बताऊं तो ये देख सकते हैं जैसे ये है, दोनों कॉमन है, दोनों के एक एक मैंने ले दिया है, इसको हम कॉमन पर जोड़ देंगे। और उसके बाद जो दूसरा है, अगर मैं सिंगल सिंगल बताऊं तो एक को एक नंबर पर जोड़ देंगे, दूसरे को दो नंबर पर यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इन दोनों पर क्या करेगा, हमारा ये काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 तरीके के इसमें मोड हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 6 तरीके के फंक्शन इसमें देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।